नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में यूपी ब्लॉगर रिंकी। और मैं रिंकी आप सबका स्वागत करती हूं दोस्तों, और सभी भाई बहनों को राम राम, जय माता दी। तो दोस्तों, आज वही दिन है जिस दिन हमने चूनी का रोटी बनाया था। शायद ये वीडियो चूनी का रोटी वाला वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, उसके बाद ये वीडियो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि जब मैं चूल्हे पर खाना बनाती हूँ तो उसके बाद और काम क्या होता है, वो भी आप लोग देख लीजिए। वैसे मैं अच्छे से मुझे ऊपर लाना पड़ता है, फिर उसके बाद चूल्हे पर खाना बनाती हूँ। और ये सब चीज़ें मैं इसलिए करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग आप लोगों को लगेगी, तभी हमारी वीडियो देखेंगे। और ये सब मेहनत मैं अपने लिए नहीं दोस्तों, अपने बच्चों के लिए मेहनत करती हूँ दोस्तों। सच में बता रही हूँ, मैं दिन रात मेहनत करती हूँ अपने बच्चों के लिए, ताकि मेरी वीडियो अच्छी जाए, मेरा वीडियो वायरल हो और लोगों के पास पहुँचे। और जिस मकसद से मैं यूट्यूब पर आई हूँ, मैं वो मकसद पूरा कर सकूँ और अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा सकूँ दोस्तों। तो यही है जो मैं अपना सारा काम आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए, हमने चूल्हे पर खाना बनाया था, तो चूल्हा में अभी आग है। और यहाँ देखिए नीचे, ये देखिए दोस्तों, ये सब बर्तन निकले हुए हैं। तो ये सब बर्तन मैं यहीं पे साफ करूँगी और चूल्हा भी हम सेटेंगे। तो और बाकी खाना वहाँ पे रखा हुआ है, ये देखिए। तो खाना मैं नीचे लेकर जाऊंगी। और अभी बज चुके हैं 12:30 हो चुके होंगे। नीचे का सारा काम अभी वैसे ही पड़ा है और सुबह झाड़ू पोछा हमने केवल किया था, उसके बाद चाय नाश्ता करने के बाद यहाँ पे चली आई थी खाना बनाने। और उसके बाद अब चलते हैं, कपड़े लगाएंगे मशीन में और उसके बाद ये सब एरिया मैं साफ करूँगी। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं सच में बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ मेरा मदद कीजिए, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फैमिली ग्रुप में, जहाँ से भी आप लोग जुड़े हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम या व्हाट्सअप, जहाँ से भी आप लोग जुड़े हैं, प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, मेरी वीडियो शेयर करिए। सच में दोस्तों, मैं आप लोगों को ये मेरा चूल्हे पर खाना बनाना अच्छा लगता है दोस्तों, तो मैं चूल्हे पर ही खाना बनाऊंगी। और आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो चेंज भी देखने को मन करता होगा तो थोड़ा सा मैं चेंज भी कर दूंगी, लेकिन आप लोगों से बस यही निवेदन है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करिए। तो चलिए दोस्तों, अब काम स्टार्ट करते हैं। ये खाना खाने के बाद, और सब लोग खाना खा चुके हैं, केवल दीपांश और सीमांश खाना नहीं खाए हैं क्योंकि वो दोनों गए हैं कोचिंग, तो कोचिंग से आएंगे तो वो दोनों खाएंगे। और अब मेरा काम होता है शुरू, तो चलिए अब काम अपना शुरू करते हैं। और दोस्तों, कपड़ा लगा दिया है मशीन में और अब चलते हैं। और यहाँ देखिए दोस्तों, दूध हमारी गर्म हो चुकी है और ये गैस में थोड़ा सा साफ़ कर दूंगी। और यहाँ चाय के बर्तन थे जो मैं सुबह ही धुल दी थी, और इसमें थोड़ा सा बर्तन और है, इसको भी धुलूंगी, उसके बाद ऊपर चलूंगी दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ का सारा काम हो चुका है, अब हम चलते हैं ऊपर काम करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पानी निकाल लेते हैं बर्तन धोने के लिए। और यहाँ मैंने एक टोटी लगवा दिया था, तो ये काम मैंने बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और इससे थोड़ा सा हेल्प हो गया हमारा। और अब चलिए यहाँ पर हम झाड़ू लगाते हैं। तो दोस्तों, झाड़ू लग चुका है और ये सब पत्ते मैं इस तावे में उठा लूँगी। और आग जो है चूल्हे में अभी है, तो राख में नहीं निकालूँगी, इसी चूल्हे में हम अंदर कर देंगे सारे राख। सैत लेंगे और ये सब काम मैं करती हूँ दोस्तों, ऐसा बात नहीं है कि ये सब काम मैं नहीं की हुई हूँ, ये सब काम मैं बहुत पहले कर चुकी हूँ और करती भी हूँ। तो
गरम चूल्हा तो नहीं सहतना चाहिए, लेकिन क्या करें, हमें नीचे भी जाना है, तो यहाँ का काम सारा खत्म करके तभी मैं नीचे जाऊंगी। तो पहले हम लोग सैतनी बोलते हैं इसे, और सैतनी बना करके रखते थे उसमें माटी घोर करके चूल्हे को सैतने के लिए। दोस्तों और जब चूल्हा सहकते थे तो उसमें एक अजीब सी महक आती थी, तो ऐसे ही आज महक आ रही है दोस्तों सच में। लाइट लगा देंगे और ये उचकुल, उसके बाद दोस्तों मैं बर्तन धोने बैठ गई और सैंत चुकी हूँ, मतलब पोछा लग चुका है, मतलब चूल्हा हमने सैंत दिया है, हमारे यहाँ सैंतना बोलते हैं, तो सैंत चुकी हूँ और ये सारे बर्तन यहीं पे धुल लूँगी। और चलिए अब धुल लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। और ये कढ़ाई में मैं राख दिखा रही हूँ, पहले राख से बर्तन धोते थे तो बहुत ही अच्छे से साफ़ होती थी, तो जब ये सब काम मैं चूल्हे पर करती हूँ तो राख से ही बर्तन धुलती हूँ दोस्तों, और सच में राख से बर्तन बहुत ही अच्छे से साफ हो जाती थी। और चूल्हे पर का बर्तन धोने में सच में दोस्तों बहुत टाइम लगता है, कढ़ाई हमारी जल चुकी थी और लेकिन अच्छे से साफ भी हो जाती है। अगर बीच बीच में इस तरीके से चूल्हे पर खाना बनाओ और बर्तन इस तरीके से मांजो तो सच में बर्तन बहुत ज़्यादा चमक जाती है, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब काम करके। उसके बाद दोस्तों अब मैं बर्तन को धुल लेती हूँ और धुल करके इसे फिर यहीं पे रख दूंगी, बच्चे आकर फिर लेकर जाएंगे सारा बर्तन, तो ऐसे ही चलता है हमारा काम। बर्तन चौका हमारा हो चुका है और यहाँ बर्तन देखिए धुल के रख दिया है, अब बच्चे आएंगे तो लेकर जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों फिर मैं नीचे चली गई थी, देखिए कपड़े भी हमारे धुल चुके थे, तो चलिए कपड़े भी डाल देते हैं सूखने के लिए, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों अभी सारा काम हो चुका है, कपड़े भी डाल दिए हैं सूखने के लिए, तो दोस्तों ऐसे ही हमारा काम होता है। और अब मैं थोड़ा सा घाम, मतलब धूप में बैठूंगी, घाम भी बोलते हैं यहाँ गांव में, तो अब थोड़ा सा धूप में बैठूंगी और तब तक बच्चे भी आ जाएंगे खाने के लिए ट्यूशन से, तो ऐसे ही रहता है हमारा काम जो मैं आप लोगों को दिखाई। तो आप लोगों को ये वीडियो हमारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और प्लीज़ मिलते हैं कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी और अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।